अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद कहती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी पेन इन हील के बारे में। तो पेन इन हील जो है ये यानी कि पाँव की एड़ी का दर्द, ये ज़्यादातर लेडीज़ में होता है। लेडीज़ का क्या है कि एक तो उन या तो वो अपने शूज़ की वजह से उनको हो जाता है कि वो हील वाला शूज़ पहनती हैं तो उनकी हील पाँव की एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर इस तरह होता है कि वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं और मोटापे की वजह से उनका वेट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी हील में दर्द हो जाता है। तीसरी वजह ये होती है कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, यूरिक एसिड के बढ़ने से भी हील का दर्द होता है। फिर हील के नीचे एक हड्डी के नीचे एक झिल्ली होती है, अगर वो झिल्ली सूख जाती है तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं पेन इन हील की। तो आज मैं आपको उनके बारे में मेडिसिन भी बताऊंगी, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी आप मेडिसिन यूज़ करें तो अफाका होगा, और फिर उनकी पोटेंसी भी बताऊंगी। तो सबसे पहले पेन इन हील में आप लें आर्निका। आर्निका मोंटेना, सूजन हो, अकड़न हो और साथ सुर्खी की भी शिकायत हो तो आप आर्निका मोंटेना 30 CH में सुबह दोपहर शाम लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। दूसरा रूटा, रूटा दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो अगर दर्द को कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छी है। दूसरा अगर इसके साइड पे हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि यूरिक एसिड जो इकट्ठा होता है वहाँ पे एक हड्डी सी बननी शुरू हो जाती है, उस हड्डी को ख़त्म करने के लिए रूटा बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा कलकेरिया फ्लोर भी पड़ी हुई हड्डी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी है, सूजन दर्द और स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा मैं एक आपको मदर टिंचर्स का कम्बिनेशन बताऊंगी, तो वो कम्बिनेशन भी आप घर में बना के रखें, अगर किसी को ये मसला हो तो उसके लिए इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। रूटा मदर टिंचर, रोस्टॉक्स मदर टिंचर, आर्निका मदर टिंचर और कालूसिंथ मदर टिंचर, ये चारों मदर टिंचर्स ले लें। आप 100 ml की बोतल ले लें, उसमें चारों मदर टिंचर 20 mml के डाल लें, ऊपर 20 ml का खाली रहेगा, आप उसको मिक्स करके हिलाएं और इसमें से 30-30 ड्रॉप्स नीम गर्म 2 घूंट पानी में लेकर सुबह दोपहर शाम लें, इंशाल्लाह आराम आएगा। तो ये हमने बात की पेन इन हील के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।